पे शूट हुआ है बागवान मूवी का गाना। और बागवान मूवी में जितने भी बंगलो वाला सीन है, यहाँ खंडाला का सीन लिया जाता है। मूवी में कोई खंडाला नहीं जाता, एक्चुअली रहता है वो गोरेगांव में, और सीन दिखा देते हैं खंडाला घाट का। और जहाँ पे हम, ये है सीन खंडाला घाट। गाइस, ये वही मंदिर है जो कि हर फिल्मों में लिया जाता है। यहाँ इस मंदिर में कोई प्रतिमा, भगवान की कोई प्रतिमा नहीं थी। जब भी किसी फिल्म की शूटिंग होती है, तो अगर आप कभी आते हैं मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में, तो कभी भी ऑटो वाले पे कभी ना विश्वास करें। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? तो आइए आज आपको लेकर चलते हैं हम मुंबई में स्थित गोरेगांव फिल्म सिटी, जहाँ पे हम आपको पूरा टूर कराने वाले हैं एक ही वीडियो में। वीडियो लंबा होगा बट पूरा देखिएगा। तो अभी हमें नाला सुपारा रेलवे स्टेशन, और हम यहाँ से टिकट कटाए हैं गोरेगांव के लिए सिर्फ मात्र 20 रुपए में। टिकट कटाने के बाद हम पहुंचे रेलवे स्टेशन पर, जहाँ आप लोग देखिए कितना ज्यादा भीड़ होता है भाई वेस्टर्न मुंबई। और नाला सुपारा से गोरेगांव पहुंचने में हमें मात्र लगा 40 मिनट। अच्छा, स्टेशन पर उतरने के बाद आप सबको जाना है गोरेगांव ईस्ट में, वहां से आपको 243 नंबर की बस मिलेगी, जो कि हम कब से ढूंढ रहे थे, नहीं मिला। तो फिर पकड़ लिए एक ऑटो वाले को, और वो ऑटो वाला क्या बना दिया, वो बोला कि हम 1500 में आप सबको पूरा घुमा देंगे, बट अंदर ले जाके एक दो सीन दिखाया, यही ऑटो वाला है, एक दो सीन दिखाया, उसके बाद हमें पुलिस ने पकड़ लिया और हमसे पेनाल्टी मांगने लगी फाइन भरने के लिए। फिर हम लोगों के पास, आप भी कभी जाएं ऐसे स्थान पे फिल्म सिटी में, तो कभी भी ऑटो वाले विश्वास ना करें, लीगली तरीके से जाएं। तो फाइनली पुलिस वाले ने हम लोगों से पेनाल्टी, मतलब फ़ाइन नहीं लिया, और हम लोगों सीधे आगे मेन गेट पे, मेन गेट से हमने टिकट कटाया। भाई टिकट हम लोग कटा चुके हैं, 1000 का टिकट है, और वो पीछे रहा फिल्म सिटी। फिल्म सिटी 1000 का टिकट है, और 2-3 घंटे घुमाएंगे, और जो जिस बस से जाएंगे वो बस हो रही है। भाई हम दोस्तों को लिए आई कार्ड मिल गया, आईडी नहीं मिला ना, आईडी। एक्सक्यूज मी, हेलो, नमस्कार, मैं हूँ शफीक रंगरेज, आपका गाइड हूँ। गाइड के साथ साथ मैं फुल कॉमेडी आर्टिस्ट हूँ। मैं अपने गले से दुनिया की हर आवाज निकालता हूँ। और सबसे बड़ी बात मैडम जी, इस समय अगर भारत की आबादी अगर 150 करोड़ है, तो करीब 100 करोड़ से ज्यादा लोग मुझे जानते हैं अकेले। सीरियसली, या तो मोदी जी को जानते हैं तो हमें जानते हैं। दिखाऊं आपके घर पे बच्चों का कार्टून आ रहा टीवी पर, उसमें जो आवाज होती मेरी होती है। बच्चे तो बच्चे बड़े भी पसंद करते हैं। भैया आज इन कॉकरोचों को नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने मेरा माथा खराब कर दिया। ओए होगी, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरी टीवी तोड़ी है, अब मैं तेरे करूंगा ढाकन टिक के। आओ, दो चार जगह उतरते जहाँ पे हमारी फोटोग्राफी होनी है, अगर वहाँ शूटिंग चलते तो दूर से देख सकते हैं। ओके, तो जितना करेगा सलमान से मिलना, उनसे मिलना, इनसे मिलना, इत्तेफाक से दिखते हैं। 1.5 घंटा जंगल और लोकेशन दिखाएंगे, 1.5 से 2 घंटा आपको यहाँ लगेगा। सामने फोटो दिख रही है बॉलीवुड पार्क, यस, मगन में जाता है ना कुत्ता, अपनी तरह से बोलता है। अच्छा, वेलकम, यही है पूरा सेट, यही लगा था। कैसे हो बड़ा? बहुत बड़े डायरेक्टर, उनका सेट बड़ा खूबसूरत होता है। ये संजय लीले भंसाली, इसे कहते हैं संस्कार परंपरा, पहला दिल्ली परा पद्मावती गंगूबाई काठियावाड़ी, यही बनी। चलो भाई, एक्सक्यूज मी, तेरे इसके में गाने कितने अच्छे हैं। हम नीचे उतर रहे हैं, रुके, गाड़ी लगाए पहले किनारे। गाइस, यहाँ पे हो रही है एक मराठी मूवी का शूटिंग चल रही है। यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, बट फिर भी हमने फोन हाइड करके वीडियो बना लिया। अभी देखिए, ये जो सामने गार्ड है ये देख लेगा, और हम भाई देखिए गार्ड कैसे देख रहा है, ये देख लिया। वीडियो बनाते हैं शाम का व्यवस्था है, तो कपाल सर के रख लेंगे। ओके, मराठी मूवी का शूट देखने के बाद हम पहुंच गए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जहां पे शूट होता है गोकुलधाम सोसाइटी। ये सामने रहा, अभी तो बंद है फिलहाल, क्योंकि पिछले, ये हमारे गाइड बता रहे थे कि पिछले बार जब कोई टूरिस्ट आए थे तो वो लोग शूट चल रहा था और बीच में बोल रहे थे, जिसकी वजह से गोकुलधाम सोसाइटी में घूमने के लिए बंद कर दिया गया है। गोकुलधाम सोसाइटी को बाहर से देखने के बाद हम पहुंचे जहां पे फिल्मों में दिखाते एयरपोर्ट और बस अड्डे का जो सीन होता है, यहीं पे इसी को बस पेंट कर देते हैं और इसी को बना देते हैं। एयरपोर्ट, बस अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसी को बनाते हैं। अच्छा, इसमें डायरेक्टर हैं छतिया, दादा साहब फाल्के, फादर ऑफ इंडियन। इन्होंने क्या किया था, कुछ पता? गाइस, यहाँ पे बना हुआ है साउथ इंडियन का बिग बॉस, जो कि मोहनलाल होस्ट करते हैं। ये पड़ता है फिल्म सिटी गोरेगांव में। ये रहा इसका सेट, इधर रहा कई सारे इंडियन सीरियल्स का सेट। और भाई हमारे जो गाइड थे बहुत ही कॉमेडियन थे, इनकी आवाज सुनिए बस, ये घुंघरू की आवाज चलेगी। पांड्या स्टोर,
ये रहे सलमान लेके सेट आ रहे हैं, यहाँ पे सलमान खान हर शुक्रवार या तो फ्राइडे को आते हैं। सो गाइज फाइनली हम पहुंच गए सलमान खान के बिग बॉस के सेट पर, जहां पे एलविस यादव और ढेर सारे यूट्यूबर आपस में झगड़ रहे हैं एक ही घर में। और ये रहा सेट बिग बॉस का, बॉलीवुड के बिग बॉस सलमान खान का सेट। भाई बाहर से लोग हम लोगों को ऐसे देख रहे थे बस में कि जैसे हम लोग पिंजरे में बंद है, और हम लोगों को दूर दूर से लोग आए देख लिए, देखिए कैसे लोग हम लोगों को देख रहे हैं बस के अंदर। सो फाइनली हम उस लोकेशन में पहुंचने वाले हैं जो जब हम लोग छोटे छोटे थे तब देखते थे, खंडाला घाट। और वो बचपन वाले हर मूवी में एक ही मंदिर को दिखाया जाता था, और ये फाइनली हम आ गए हैं खंडाला घाट पर। हेलीपैड है? अच्छा हेलीपैड है ये, खंडाला की तरह से बढ़िया। क्या गजब सीन है, वो सब फिल्म सिटी के अंदर ही है ना सिटी। अभी आपको एक बना था वेलकम में लकड़ी वाला घर यही बना था, नो एंट्री में सलमान भाई लटके थे, कृष में ऋतिक रोशन का घर यही था सर। असली खाइए थोड़ा पीछे, हीरोइन यहाँ खड़ी होती है साथ में गंदी सी आंटी होती है जिसे सासू माँ कहते ज्यादातर, बातचीत कर ही धक्का दे दिया, कोई मरकने के सब केबल से बंधे होते हैं, ठीक है फिर वापस आ जाते हैं। अभी मैं खंडाला घाट पे और है वैसे मुंबई गोरेगांव, गाड़ी भी खड़ी है खंडाला घाट पे और हम लोग चल रहे हैं इसके अंदर। और ये हम लोग गाइड ये बनारस की। हेलो दोस्तों एक मिनट, ये है एयरपोर्ट के आगे थे हम एयरपोर्ट के पहले थे। हाँ एयरपोर्ट के आगे थे, एयरपोर्ट पहले बस से कुछ बाकी हम लड़के क्या हेलीपैड है जो बेटी होती है। गाइज ये रोड आप हर मूवी में देखे होंगे कि बनारस यहाँ से 20 किलोमीटर और खंडाला यहाँ से इतना किलोमीटर है, ये रोड हर मूवी में से यूज होता है। और ये जो नज़ारा है, ये सब जो साइड में दिख रहा है ये सब व्यू है खंडाला घाट का। और अभी हम लोग पहुँचने वाले वो आइकॉनिक टेम्पल के पास, ये देखिए रहा वो आइकॉनिक टेम्पल जो कि हर पुरानी मूवियों में और नई मूवियों में लिया जाता है, जिसमें कोई प्रतिमा या भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है। और धीरे धीरे हम पहुंच गए भगवान के उस सेट पर जहां पे होली खेला रघुवीर अवध में वो वाला गाना शूट हुआ था, और भगवान में जो बंगला यूज हुआ था वो सब यही बंगला है और यहीं पे सारा शूट हुआ था। ये भगवान का बंगला है, ये भाई हमारे पीछे है बागवान, जो सलमान खान की मूवी आई थी उसमें जो बंगला था वो यही वाला था, बागवान मूवी। अब आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, प्लीज वीडियो बने रहिए। बागवान एक हफ्ते में 7 दिन होता है तो 21 बार आती है ना, आइए अंदर चलते कह सकते बागवान में जाते हैं। ये बागवान जितने भी ऊटी और शिमला के सीन शूट होते हैं सब यहीं पे इसी लोकेशन पे होते हैं। इसके पीछे भाई ये है भाई, सामने बागवान का बंगला है और पीछे से दिखता है कोई मिल गया। हाँ कोई मिल गया का बंगला जाते हैं, हिल स्टेशन बताया जाता है ऊटी शिमला नैनीताल कश्मीर। इसी को पेड़ के पीछे बैठा होता कोयला जला कर लकड़ी वाला, उसमें लोबान डालता धुआं निकलता है, हो जाता है हिल स्टेशन, ठीक है। अब हम आपको दिखाने चल रहे हैं बचपन से आप जो देखते आए हैं कि एक ही मंदिर को हर मूवी में से दिखाते हैं, कि जैसे कि घातक मूवी, दूध का कर्ज वाला मूवी वाला मंदिर, और पुलिस गिरी में उसमें का जो लास्ट वाला सीन है जब प्रकाश राज जहाँ पे भीख मांगता है वो सीन यहीं पे हुआ था शूट। आप देखोगे हर मूवी में बनी होती है ना, और इसमें कोई मूर्ति उर्ति नहीं भाई, इस मंदिर में कोई मूर्ति उर्ति नहीं है, ओनली सिर्फ सब खाली पड़ा है चारों तरफ से, देख रहे हैं मंदिर पूरी की पूरी खाली पड़ी है। जब किसी फिल्म की शूटिंग होती है तो यहाँ पे मूर्ति रख देते हैं किसी न किसी भगवान की, ये पूरा खाली पड़ा इधर पे। और यहाँ का लोकेशन ही बहुत ही खूबसूरत है भाई, हु इज दिस? हाँ दिस वन आमिर खान। ये वही पुलिया है जो CID में और क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल में
डेड बॉडी यहीं पर पड़ी। और ये लोकेशन जो है ये राउडी राठौर में जो चिंता था चिता चिता वाला गाना था वो यहीं पे शूट हुआ था। बॉडीगार्ड मूवी में जो करीना कपूर का कॉलेज था वो सब कॉलेज यहीं पे, इसी को कॉलेज को हर चीज बना देते हैं। ये है उसका सेट। किसी नहीं पता चला क्या कहलाता है ये। देखिए मैडम जी कसौली अभी नया चल रहा है ना सीजन, ये कसौली बनाया वो नकली अभिमन्यु पक्षियों के साथ। ये ससुराल महका है, कल आप आए होती ना तो उनसे मिलते आप। नायरा नायरा अब जो लोकेशन आने वाली ये तो आप लोग इससे वाकिफ होंगे जो कि हर मूवी में दिखाते हैं कोर्ट, यही है बॉलीवुड का कोर्ट, इसी में सब लोग आते हैं। तारीख पे तारीख सनी देओल का डायलॉग जो होता है दामिनी मूवी का वो यहीं शूट हुआ था। ये सामने से दिखता है कोर्ट और बगल से दिखता है चर्च और जो हेरा फेरी का सीन होता है ना तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख मिलाउट इंसाफ नहीं मिला है, मैंने तो सिर्फ तारीख मिली है। बाबूजी मैंने यहीं पे चेटा को बहुत मारा था और मैडम जी मैं पाकिस्तान जाके हैंडपंप उखाड़ चुका हूँ, फिर उखाड़ेगा 11 को फिर उखाड़ेगा। अच्छा इधर से अदालत है दूसरी दीवार देख के हंसी आ जाएगी, देखो क्या बना हुआ है। नहीं चर्च चर्च नहीं इधर है, चर्च के लास्ट में बालकनी फिर में बाबू भाई की चौल चर्च। तितली सीरियल की शूटिंग यहाँ चालू है, उधर बैठी तितली। ये हटी ये रहे वो रहे, आप इसको हाय करे तो ये बाय करेगी। हाय आप वो देखिए बाय कर ही नहीं रही है, करेगी करेगी। अरे कहीं कब करेगी तितली 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 देख ही नहीं रही है क्या हाय करेगी। मैडम जी प्राइम फोकस सामने केबीसी का शूट चलता है, वो देखिए सामने किधर पे केबीसी सामने। हाँ ये रहा भाई बॉलीवुड पार्क, आ गए हम लोग इसमें बॉलीवुड पार्क में उत्तरी की। कोरोना तो खत्म ही क्या, अच्छा वो आइस फ्लू चल रहा है ना। अब हम आ गए बॉलीवुड पार्क में जहाँ पे क्रोमा के मदद से हमें बैकग्राउंड हटा के दिखाते हैं, ग्रीन स्क्रीन का कैसे यूज करते हैं ये हमें इस वीडियो में मिलेगा कि कैसे ग्रीन इफेक्ट्स ग्रीन स्क्रीन का यूज करके बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं और कहीं का सीन कहीं पे और डाल देते हैं। भाई देखिए यहाँ अपना शो चलने वाला है, पता नहीं कौन सा शो है। जितने भी मूवी ये सब शूट होते हैं ना ये सब होते हैं एक स्टूडियो में, मतलब एक ग्रीन स्क्रीन का रूम बना होता है उसी में ये सब वीडियो शूट होते हैं और सीन दिखा देते हैं। पहाड़ों से कूदता हुआ ये देखिए ऋतिक रोशन कूद गए पहाड़ों से, और इसके बाद ये देखिए आग जल रहा है नीचे, ये सब सब फेक होता है, सब एक ग्रीन इफेक्ट से दिखाते हैं। अब हम देखने वाले हैं फॉली साउंड, मतलब कि फेक साउंड कैसे यूज करते हैं, मतलब रॉकेट को कैसे उड़ाते हैं वो फेक साउंड, और हड्डियां कैसे तोड़ते हैं वो भी सब फेक साउंड अब आपको दिखाने जा रहे हैं। वाह भाई प्लास्टिक से निकाल दिया आवाज आग जलने की। गाने की रिकॉर्डिंग यही होती है। ठाकरे है ना ये रहे हैं मोदी जी, ये है सचिन तेंदुलकर। कोई मिल गया मेरा जो है जादू जादू। पहले 70 में देखिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाले 70 एका फोटो ये ले लीजिए मान लो ले लो तुम ले लिया वीडियो ले लो तो चलो खड़े में लीजिए खड़े में नहीं ऐसे रहे ठीक है हमारा कारीना ये है जेल गाइस वो रहा फिल्म सिटी और ये रही हमारी बस, ये इसी बस से हम लोग आए गए थे दूसरी बस से आए दूसरी बस से। सो गाइस यही हमारा ब्लॉग आज का होता है खत्म,
हम आपको दिखा चुके हैं गोरेगांव का, मुंबई का, मुंबई फिल्म सिटी। अब चलते भाई रूम पे, मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज होने वाला जस्ट 4-5% है, चलते हैं रूम पे सीधे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, हम उनको दिखा सकते हैं यहाँ से।